हाय कानू के नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है आई एम एडवोकेट गुरप्यार सिंह फ्रॉम पंजाब संगरूर तो जो आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड 2016 में ये यूनिवर्सिटी आई थी तो जो जिससे अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है तो मैं भी शौक हूँ जब मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च किया इसके रिव्यू देखे भाई क्या क्या चल रहा है स्टूडेंट्स को से बात की भाई फंडा क्या है इस यूनिवर्सिटी का अप्रूव्ड कोर्सेज हैं या नहीं है काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट है और अभी भी जो बंदे बैठे हैं इसमें एडमिशन लेते हैं हेमालन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कुछ भी ये चलो जो भी है हम शो कराते हैं सबसे पहले इसकी तीन कलॉन वेबसाइट चलते हैं वो भी आपने ध्यान रखना है कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एच जी यू डॉट ए सी डॉट इन आप जो इस पर ओपन करोगे डैन उसके बाद आपके सामने ये इसका जो इसका प्रोफाइल है वो आपका ये खुलेगा हालांकि इसको देखकर लगता नहीं ये ऑफिशियल है बट जो जूस में जो लिंक दिया गया है यही उठाया गया है इसमें तो डन देख सकते हो इसका तो दूसरा जो है आप ओपन करोगे तो ये शो होगा आपके सामने ऐसे कुछ हिमालय गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड तो इट्स एयर कलोन वेबसाइट ओके तो इसको मैं कैंसिल करूँगा उसके बाद एक एक पॉइंट पर इसकी बात करेंगे क्या क्या इसमें क्या है क्या क्या नहीं है डेन कोर्सेस की बात करते हैं इसमें तो अभी डाउटफुल जो बात इसके सामने आई है भी इनके पास एक मेडिकल का कोर्सेज हैं बी फार्मा और ये डी फार्मा अपनी यूनिवर्सिटी में दिखाते हैं भी हमारे पास ये है तो फंडा ये है भी जो इनके पास कोर्सेस अवेलेबल हैं क्या वो अप्रूव्ड हैं या नहीं है काफ़ी स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं काफ़ी की डिग्रियाँ भी उन्होंने नहीं मिली तो काफ़ी अपना पैसा भी ख़राब कर चुके हैं इसके बीच तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को यही कहूँगा भी थोड़ा सा खुद या तो यूनिवर्सिटी जाकर फिजिकली किया करो या फिर आप कोई अच्छे पर्सन से पूछ लिया करो फैकल्टी ऑफ द पैरा फार्मेसी एंड पैरा मेडिकल दो कोर्सेज दिखा रहा है बैचलर ऑफ फार्मेसी वी फार्मा एंड डिप्लोमा इन द फार्मेसी डी फार्मा तो आगे हम देखते हैं इसका ये मैंने साइट ओपन की हुई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आप भी ओपन कर सकते हो तो देन ये वी फार्मा के कोर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर मुझे ये बता दो ये उत्तराखंड की लिस्ट है उत्तराखंड स्टेट की इसमें कहीं भी पर आप भी सर्च कर सकते हो कहीं भी हिमालयन यूनिवर्सिटी का जो अप्रूवल है वो मुझे शो नहीं हुआ इसमें तो बाकी यूनिवर्सिटी जाने कहाँ से उन्होंने अप्रूवल ली है कहाँ से नहीं जाने अप्रूवल है भी या नहीं है आई डोंट नो तो आप भी ये लिस्ट चेक कर सकते हो मुझे तो नहीं शो हुआ कहीं उत्तराखंड की ये लिस्ट है यहाँ से उत्तर प्रदेश आ गया तो टन जो ये मैं लगाया ओनली हिमालयन इंस्टीट्यूट आप बोलोगे ये हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी का नाम है बट ये हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ये जो इंस्टीट्यूट है ये ए आई सी टी एंड फार्मेसी काउंसिल से अप्रूवल है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी और बोर्ड से ये रुटके से अप्रूवल है ये इंस्टीट्यूट अलग है कुछ सूर सर इससे इनका ये है कोई भाई ये कोई फंडा नहीं है उसके बाद उसके बाद ये है डी फार्मा की लिस्ट फार्माडी जो जो हिमालयन यूनिवर्सिटी गढ़वाल कहती है इसमें सिर्फ ओनली वन उत्तराखंड की एक संस्था है स्कूल ऑफ पैरामेडिकल साइंस श्री गुरु राय यूनिवर्सिटी पटेल नगर देहरादून उत्तराखंड तो यहाँ पर भी हिमालय गढ़वाल यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है अप्रूवल में सवाल और आंसर आपके सामने है हम तो आपकी मदद कर सकते हैं तो देखो कहाँ पर अप्रूवल है देन उसके बाद बार काउंसिल ऑफ जो लॉ के बोर्ड ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में देखा वहां पर मुझे कुछ शो नहीं हुआ इनका तो उसके बाद हम आते हैं सबसे जो मेन चुकाने वाली बात है ये है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज देखोगे आपके सामने खुलेगी देन उसके बाद आप भी लिस्ट ये दे सकते हो मुझे यहाँ पर हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो यहाँ पर दिया इन्होंने हिमालयन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्री नगर इन्होंने दिया तो है बट कहाँ पर इसके जो गाइडलाइंस हैं जो अप्रूवड हैं जहाँ हमने देखा है लिस्ट में यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो फिर स्टेट से मैंने मेल भी की थी पर कोई जवाब नहीं है हायर एजुकेशन से क्या किया जाए आई थिंक ये बहुत ही डाउटफुल बात है चलो तो जो भी है बट स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगा भी हायर एजुकेशन को जिसके जो अप्रूवड है इनको आर टी ए कुछ पता चलेगा बट तो, तो, तो टोटली ये कन्फ्यूजन सी बात है और भी इसके हिमालयन यूनिवर्सिटी के बारे में कोई इतना दिया नहीं गया है भी कोई हमें ये श्योर हो जाए भी ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है जो हिमालयन गढ़वाल वाला बोला है तो आप जानते हैं हिमालयन केंद्रीय विश्वविद्यालय श्री गंगानगर और अब मैं कन्फ्यूजन आपको बताता हूँ ये स्थापना का वर्ष 1973 यो ये केंद्रीय ये ओनली केंद्रीय विश्वविद्यालय है सेंट्र जो मैंने आपको वो लिस्ट में दिखाया था अब मैं अपनी बात को फिर घुमाऊँगा कुछ स्टूडेंट कहते सर इसका नाम आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भी जो ये है जो केंद्रीय विद्यालय है कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे सर इसका नाम है तो ये है इसका फंडा जो 1973 से हुआ है ये 2016 में यहाँ पर हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी का कहीं पर नाम मुझे दिखा दो अगर नाम होगा तो मुझे भी बता देना कहीं भी पर 26 यूनिवर्सिटी 26 संस्थान हैं 26 में छब्बीस हिमालय गढ़वाल का बिल्कुल भी नाम नहीं है तो आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उत्तराखंड ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हिमालय गढ़वाल का कोई फंडा ही नहीं है तो अगर ये यूजीसी से अप्रूवल है हिमालय गढ़वाल तो चल कैसे रही है चल रही है तो वहां पर क्यों नहीं है इसका नाम उत्तराखंड हायर एजुकेशन की लिस्ट में तो ये आपके सामने है हिमालय गढ़वाल यूनिवर्सिटी अब लोग क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी क्या कहती है आई डोंट नो बट स्पष्टीकरण कोई नहीं है इसका कोई अप्रूवल का कोर्स नहीं दिख रहे तो आप देख सकते हो सारा विद एविडेंस के साथ बात की है मैंने तो कोई भी प्रॉब्लम हो यू विल कॉल मी एनी टाइम तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हाथ जोड़ कर बेनती है भी अपना समय और पैसा मत खराब करो ऐसी यूनिवर्सिटी में जो कुछ क्लियर ही नहीं है निका थैंक यू सो मच